दोस्तों अगर आप लोगों के सामने इस तरीके से कई भिन्न दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है और हमें सिर्फ 5 सेकंड से कम समय में बताना है तो क्या दोस्तों आप बता देंगे? नहीं तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि सिर्फ देख करके ही आप बता देंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा बड़ा। इसके लिए हम 4 तरीके के टॉपिक पढ़ेंगे। पहला तो ऐसा होगा जो 1 से छोटा, जिसकी वैल्यू क्या होगी भिन्न की 1 से कम आएगी, और दूसरा क्या होगा जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, और एक ऐसा होगा तीसरे नंबर पर कि जो अंश और हर का जो समान है अंतर जो है वो समान रहेगा, यानी अंश और हर जो है उसका अगर घटाएंगे अंतर क्या होगा समान आएगा, और दोस्तों चौथा जो है ऐसा भिन्न होगा जिसके अंश और हर का अंतर डिफरेंट होगा। यानी सभी टॉपिक दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए इसमें क्या है दोस्तों, पहली चीज कि इसमें भिन्न की वैल्यू क्या है 1 से कम आ रही है। देखिए क्योंकि नीचे का जो हर है सबका बड़ा है, जब हर बड़ा रहेगा तो भिन्न की वैल्यू 1 से कम आएगी। और दूसरी चीज देखिए इनका डिफरेंस अंश और हर का डिफरेंस क्या 1 है। देखिए 5 एक 6 है, 11 एक 12 है, और आपका 14 एक 15 है। इस तरीके से भिन्न हो जिसकी वैल्यू क्या हो 1 से कम भी आए, और दूसरी चीज ये कि दोनों का अंतर अंश और हर का समान हो, तो उसमें दोस्तों जिसका अंश बड़ा वो हर बड़ा, जिसका अंश बड़ा ये देखिए सबसे बड़ा अंश किसका है 14 है सबसे बड़ा। देखिए 3, 5, 11, 14 में सबसे बड़ा कौन है 14 है, यानी कि सबसे बड़े अगर भिन्न की बात करी जाए तो ये आपका ग्रेटर होगा 14/15, और सबसे छोटे भिन्न को पूछे तो बस 4/5 आपको लिख देना, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम पता करेंगे कब, जब अंतर अंश और हर का समान हो और वैल्यू क्या हो इसकी भिन्न की 1 से कम आए। अब चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं जिसमें क्या हो अंतर 1 ना आए, मतलब अंतर समान ना है बल्कि भिन्न भिन्न आए। यहाँ पर देखिए 3, 2, 5, 7, 3, 10, 8, 3, 11, 11, 1, 12। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो ऐसी संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल तरीका है। अब हम क्या करना है इसमें कि यहाँ पे देखिए 3/5 है, जो 3/5 इसको लिख लेना और 7/10 को लिख लेना, ठीक है। इसका हम करेंगे क्रॉस होगा इस तरीके से, हर का इसका उठा करके इसके अंश में, इसका हर का अंश में, यानी 10 3 30 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये 5 7 35 हो जाएगा। हमें पता करना कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। अब वैल्यू इसकी ज्यादा आ रही है 35, तो ये भिन्न जो है इससे बड़ा है। अब इसको ले लीजिए, अब यहाँ पर लिखिए 8/11। अब इसको भी चेक कीजिए, यहाँ पर खत्म कीजिए, आपको पता चल गया कि 7/10 बड़ा है। अब देखिए 11/77 और 10/80, अब हमें पता चल गया कि ये बड़ा है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अब इसको लीजिए और 11/12 को लेकर के चेक कर लीजिए दोनों को, फिर ऐसे ही बारी बारी से दोस्तों चेक कर लेंगे कि कौन बड़ा है। छोटे वाले को छोड़ते जाएंगे, बड़े वाले को लेते जाएंगे। 12/108 आपको पता चलेगा, 11/121, यानी कि 11/12 जो दोस्तों आपका आंसर आएगा यही आपका क्या होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। अगर दोस्तों इस तरीके से अलग अलग यानी अंश और हर का अंतर जो है अलग अलग आए तो क्रॉस गुणा करके हम पता लगाएंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसमें हमें पता चल गया कि 3/5 जो है सबसे छोटा है और आपका 11/12 जो है सबसे बड़ा है। वैसे भी दोस्तों एक तरीका मैं आपको बता दूं कि जिसका अंतर कम आता है भिन्न का, अंश और हर का अगर अंतर कम आए, जैसे 1 आया इसका, तो वो भिन्न हमेशा बड़ा ही आता है। अब इनका देखिए 3 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन छोटे भिन्न की बात रहेगी या अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया, तो अगर ये क्रॉस वाला मालूम रहेगा दोस्तों आप लोगों को तो आप निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अगर डिफरेंस अलग आएगा तो निकालेंगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं अगर आपका क्या हो भिन्न की वैल्यू 1 से ज्यादा है। दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को कि ये वैल्यू जो है 1 से बड़ी आ रही है। देखिए 5 से जब भाग देंगे तो 1.0 कुछ आएगा, यानी कि ये ऐसा भिन्न है जो क्या हो जिसकी वैल्यू 1 से अधिक हो। तो ऐसे भिन्न का हम कैसे पता लगाएंगे कि ऐसे भिन्न में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसके लिए दोस्तों सेम यही प्रोसेस जो आपने पहले डिफरेंस वाला देखा, पहले आप डिफरेंस देखिए समान है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 17 में से अगर आप घटाते हैं 15 को तो 2 आएगा, यहाँ पर भी 13 में से 11 2 आएगा, यहाँ पर 9 में से 7 2 आएगा और 5 में से 3 2 आएगा। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसकी वैल्यू 1 से अधिक आए और घटाने पर जो है अंश हर की वैल्यू भी समान आए, तो दोस्तों हमेशा इसका उल्टा होगा। इसमें क्या था, जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ी, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, जिसका अंश सबसे छोटा यानी 5/3 जो होगा वो दोस्तों सबसे बड़ा होगा, यानी कि बिग होगा, यही बिगेस्ट होगा। और यहाँ पर क्या होगा 17/15 यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, उसका एकदम अपोजिट हो जाता है दोस्तों, ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा।